आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ करिकुलम की जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह बेहतर हो सकती है, और एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज आपको सबसे बड़ा क्या लगता है? चैलेंजेस की जहाँ तक बात है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेजॉरिटी जो मैंने देखा है वो उनके घर से स्टार्ट हो रहे होते हैं। पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस लेवल पे जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। आप थोड़ा सा उस तरीके से परफॉर्म करके बच्चों को समझा रहे हो तो वो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एज कम्पेयर टू आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं उससे बच्चे इतने अट्रैक्ट नहीं होते। ये मेथडोलॉजीज होती हैं जिससे आप पूरी क्लास को एज अ नेशन, एक पूरी नेशन बना के आप लेके चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, यही हमारी टैगलाइन है और इसी पे हम हमेशा बात करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मेहमानों को आपके सामने लेके आएं। हमारे गेस्ट अमूमी तौर पे वही होते हैं जो माशरे में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हों और प्रैक्टिकली उनकी ज़िंदगी में कोई मिसाल ऐसी हो जिससे लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिले और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव करें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका पिछले 8 सालों से शोबाए तालीम और तदरीस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये अब तक भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी चुकी हैं। इसके साथ साथ ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। इन्होंने अपना एमफिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी आईपीए डिपार्टमेंट से और इस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं। हम इनसे जानेंगे कि एजुकेशन सिस्टम और इसके चैलेंजेस को ये कैसे देखती हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन को एजुकेशन के हवाले से ये क्या गाइडेंस देंगी। अस्सलाम वालेकुम नाइला ताहिर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि टीचिंग की फील्ड में आपने शुरू कब और कैसे किया? क्या आपको शौक़ था टीचिंग की फील्ड में आने का या बाई चांस आप इस फील्ड में आ गई? जहाँ तक इसका शौक़ की बात है तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी आपका एक पैशन होता है लाइफ के अंदर, तो मैंने एज सच कोई फुल प्रिपरेशन के साथ इसको ज्वाइन नहीं किया था। मैं पढ़ रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी में ना, तो हेले कॉलेज से आई वाज डूइंग बीकॉम ऑनर्स। तो मुझे अपने टीचर्स को देख के बड़ा अच्छा सा फील होता था कि क्लास में आना और बच्चों को एक ही डेकोरम को फॉलो करते हुए पढ़ाना। तो उससे इंस्पायर होके ना मैंने इस चीज़ को अपने अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि मुझे भी इसको फॉलो अप करना चाहिए। तो मैंने विजिटिंग फैकल्टी में स्टार्ट कर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, सोशल एंड कल्चरल साइंसेज डिपार्टमेंट में। तो उस वक्त डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब वहाँ पे होते थे, हमारे डीन जो थे वहाँ पे। तो मैंने स्टार्ट में कोई एक दो सब्जेक्ट से इसका इनिशिएटिव लिया और फिर साथ मैंने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा। और उसके साथ साथ फिर मेरे अंदर ना एक, मैं खुद स्टूडेंट भी थी और फिर मैं एज अ टीचर जो है वो भी एक रोल प्ले कर रही थी। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छे से बैलेंस हो रही थी और फिर मुझे ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ना एक पैशन क्रिएट होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि नहीं, मुझे इसको आगे कंटिन्यू रखना है। तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से फिर मैंने उसको अपने उसको चीज़ों को मैं आगे लेके चली। मैम, आपको माशाल्लाह तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं एजुकेशन की फील्ड के साथ आप मुंसलिक हैं। आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ करिकुलम की जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह बेहतर हो सकती है और एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज आपको सबसे बड़ा क्या लगता है? अच्छा, मैंने जो मेरा एक अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैंने ये देखा है कि जो चैलेंजेस की जहाँ तक बात है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो बच्चे मेजॉरिटी जो मैंने देखा है वो उनके घर से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो चैलेंजेस, ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से आप समझ लें। और फिर जब वो एक एनवायरनमेंट में आते हैं तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अब अगर मैं मीडियोकर्स फैमिली की बात करूँ तो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पढ़े हैं वो इसी तरीके से हैं। आप जब घर से बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए तो जिस तरीके से भी हो, अगर आपका बच्चा माशाल्लाह पढ़ने वाला है या नहीं भी उतना पढ़ने वाला, लेकिन आपका पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस लेवल पर जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो उसमें चैलेंजेस जो मैंने देखे हैं ना, तो या तो अगर मैरिट पे आ जाएं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप मैरिट पे नहीं आते, हमारी सोसाइटी के अंदर भी ये चीज़ है कि आप या तो फ़ी स्ट्रक्चर की वजह से बच्चे बहुत सारे पीछे रह जाते हैं, और अगर आपने फ़ी पे कर लिया है तो आपको आगे जो टीचर्स का एक पढ़ाने का एक स्टैमिना है ना, वो उतना अच्छा बच्चों को नहीं मिलता। मेरा मैं ये समझती हूँ कि सारे बच्चे एक ही लर्निंग मोड पर नहीं आपसे पढ़ सकते, हर बच्चे का माइंड लेवल डिफरेंट होता है। आपको मेथडोलॉजी जैसी अडॉप्ट करनी चाहिए एज अ टीचर, एज अ रोल मॉडल, कि आप जो बच्चा बहुत लाइक है क्लास में उसको भी, और जो बच्चा थोड़ा सा नीचे है उसको भी, आपको उन दोनों को सेम लेवल पे लेके आना चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है टीचर की मेथडोलॉजीज पे, टीचर किस तरीके के जो कोर्स कंटेंट्स हैं, टीचर की जो स्टाइल है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा
मेरा जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए मैंने उसमें देखा कि बच्चे अगर मैं टू द पॉइंट एक चीज़ बता रही हूँ ना या मैं विद एग्जांपल बता रही हूँ एक सही. और उसमें अपने जेस्चर्स भी हैं, आपका आई कांटेक्ट है, आप जो खड़े होते हैं जिस तरीके से आप थोड़ा सा उस तरीके से परफॉर्म करके बच्चों को समझा रहे हो तो वो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं उससे है बच्चे इतने अट्रैक्ट नहीं होते. तो ये मेथडोलॉजीज़ होती हैं जिससे आप पूरी क्लास को एज अ नेशन एक पूरी नेशन बना के आप लेके चल सकते हैं. और जो बच्चा बहुत अप होता है क्लास में इंटेलिजेंट होता है और जो थोड़ा नॉर्मल होता है वो एक इक्वल लेवल पे आ जाते हैं. अच्छा मैम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके तालीमी सफ़र में किसी वजह से गैप आ जाता है, ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन की बात करें तो आप उनके हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि उनका वो जो एक गैप आ जाता है शादी की वजह से या और किसी एक्टिविटी की वजह से, तो उसमें वो अपनी तालीम को फिर दोबारा कंटिन्यू कैसे करें? क्योंकि आम तौर पर जब कोई भी सोचता है तो उसको बहुत मुश्किल लगता है 2-3-4 साल बाद दोबारा अपनी तालीम को कंटिन्यू करना. आप इस पर क्या कहेंगी? अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली मैं उसका पार्ट हूँ उस इदारे का, तो आपको ये भी आपको भी आइडिया होगा और बाकी सबको भी आइडिया है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जो कि वहाँ पे एज का कोई नहीं है. ठीक है, नहीं मतलब कि आपको अगर लेट्स सपोज आपको 20 साल बाद भी आपको याद आता है ना कि नहीं अब मुझे कंटिन्यू करना चाहिए अपना सफ़र जहाँ से मैंने छोड़ा था, आप कर सकते हैं. फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ख़ुद भी यहाँ से देख मैंने देखा है कि मैं ऑलरेडी एमफिल किया हुआ था और दोबारा से मैंने एमएस मैनेजमेंट साइंसेज इसी यूनिवर्सिटी से दोबारा स्टार्ट किया क्योंकि मेरा वो दरमियान में गैप आ गया और फिर मेरी जॉब स्टार्ट हो गई. तो मैंने ये देखा है कि फीमेल्स जो है ना आप जब तक खुद से स्ट्रांग नहीं होंगी ना सोसाइटी के अंदर तो आप कोई आपके लिए स्टेप नहीं लेगा. सही. इसके लिए आपने स्टेप अपने खुद लेना है, इसके लिए आपने स्टैंड खुद लेना है, इसके लिए आप में हिम्मत खुद आनी चाहिए. हाँ, सपोर्ट इसके अंदर बहुत ज़रूरी है आपकी फैमिली की. इवन इफ़ यू आर मैरिड तो आपके इन लॉज की बहुत सपोर्ट हो, आपके पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन उस सपोर्ट के साथ साथ आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, खुद से करेज होना चाहिए कि नहीं. क्योंकि देखें आप जब एक काम के पीछे लगे रहते हैं ना तो अल्लाह ताला भी फिर कहते हैं कि नहीं अब ये बंदा इतना एफर्ट कर रहा है ना तो इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए. अब तो वो चीज़ जब आप कंटिन्यू रखते हैं तो वो फिर आपकी कंटिन्यू हो जाती है. तो फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है कि दूसरा ये है कि ऑनलाइन हमारा ये सारा मोड है, ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर सब कुछ चला गया है. तो आप घर बैठ के भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आके यहाँ पे क्लासेस लेनी पड़ती हैं, आपका ऑनलाइन सिस्टम है आप उसको फॉलो करें. कम अज़ कम आपकी डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीट हो सकता है. रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी मैं इस्लामाबाद से लाहौर मेरी पोस्टिंग हुई है तो यहाँ पर मेरी अभी लास्ट वीक एक फ़ीमेल से मिलना हुआ मेरा. तो आप ये देखिए कि उनके बच्चे माशाल्लाह सारे सेटल्ड हैं और ही वॉज टेलिंग मी कि मैंने एफ़ए के बाद यहाँ से कंटिन्यू किया, अब वो माशाल्लाह मास्टर कर चुकी हैं यहाँ से और लास्ट वीक अपनी वो जो मास्टर की डिग्री के बाद वो यहाँ पे सबको अच्छे तरीके से मिल रही थी और बता रही थी और खुशी के उनके आंसू थे कि मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हुई इस चीज़ के ऊपर. तो आज माशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे जो है ना मास्टर भी मैं कर चुकी हूँ, हालांकि मेरे बच्चे इतने माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, नवासे नवासी अभी अब हैं, लेकिन मैंने ये अपना मिशन को कंटिन्यू रखा. मैम, आपका इदारा और आप खुद किस तरह जो है वो सोशल वर्क कर रही हैं ये भी ज़रा बताइएगा. हमारे यहाँ पे ना कुछ स्कीम्स हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं. लेकिन वो जो स्कीम्स होती हैं उसके अंदर आपके शोदा के बच्चे भी आ जाते हैं, उसके अलावा आपके जो कैदी होते हैं, ठीक है, वो भी आ जाते हैं. और उसके अलावा अगर देखा जाए तो वो लोग मतलब कि जो जिनके वसाइल इतने नहीं हैं, ठीक है, तो वो आप ये समझ रहे होते हैं कि हम जाएंगे तो इतनी फ़ी हमारी, हम ये समझते हैं कि ये 2500 3000 3500 रुपए जो हैं ये फ़ी कुछ भी नहीं है. लेकिन आप देखें कुछ वो लोग भी हैं जो दिन का मेरा ख्याल है हार्डली 500 रुपया भी नहीं अर्न कर सकते, ठीक है, उनके लिए बहुत वेटेज रखते हैं ये 2500-3000 की जो अमाउंट है. तो हमने उन बच्चों के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा इदारा काम कर रहा है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, हमने वो स्कीम्स बनाई हुई हैं. उन स्कीम्स के तहत या वो बच्चे जो ऑर्फन्स भी हैं उसके अंदर, ठीक है, ये कैटेगरीज हमारी, तो उसके हम उन बच्चों को डील करते हैं. और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है वो तो आपको फ़ी पे करनी होती है, ऑनवर्ड जो है अगर आपने सारे वो सब्जेक्ट्स क्लियर किए होते हैं तो आपको फुल फ़ी वेव जो है वो वेव ऑफ हो जाती है. और कुछ में हमारी कुछ परसेंटेज होती है, वो हमारा प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को कर रहे होते हैं. उसके अलावा हमारा ये भी होता है कि लोग आके ज़ाहिर हमें रिक्वेस्ट भी करते हैं, हमें यहाँ पे एप्लीकेशंस भी देते हैं, तो फिर हम उस स्कीम के तहत जो है ना एज अ सोशल वर्कर्स हम उनके साथ जो है ना वो ताउन करते हैं. मैम, आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन है और आप खुद माशाल्लाह इतनी कामयाबी से काम कर रही हैं तो इसके पीछे फैमिली सपोर्ट कितनी रही?
मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कि मैं आज माशाल्लाह जहाँ पे भी हूँ ना, जितना भी हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आगे हूँ, जिस लेवल पे भी हूँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट मिली है ना, अल्लाह और उनका रसूल तो पहले है ना, तो उसके बाद फैमिली के अंदर मुझे मदर ने, मदर की सपोर्ट जो थी, इवन अभी आज के दिन तक मेरी मदर जो है उनकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा मेरे साथ थी। और उसके बाद इन लॉज की तरफ से भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, वो भी बहुत कोऑपरेट इस मामले में करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और आपको एक बकअप मिल रहा होता है फैमिली की तरफ से। अच्छा, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? मैं लास्ट वीक मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था कासिम अली शाह साहब से, फ़र्स्ट टाइम हुआ एक इंटरेक्शन, और लकीली मैं लाहौर आई हूँ तो शायद वो मेरा एक फ़र्स्ट इंटरेक्शन था एक सेलिब्रिटी के साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ मिलकर। और मैं उनको वही बता रही थी कि सर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग आपको मिलियंस से भी आगे कहूँ तो काम है, आपको लोग लाइक करते हैं, मुझे जो उनसे इंस्पायरेशन जो फैक्टर मैंने उनसे सीखा है ना, या मैं जो देख रही हूँ, वो अपनी हर चीज़ के अंदर ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत ज़्यादा टच देते हैं। और वो एक चीज़ ऐसी है कि एज अ मुस्लिम्स हमारा ईमान है कि हमारे अंदर वो चीज़ खुद ही उतर रही होती है, वो बता रहे होते हैं, तो मुझे उनकी वो चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं कि वो जिस तरीके से नरेट कर रहे होते हैं और हमारी डेली की जो लाइफ है ना उसकी, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मेरी लाइफ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जनरल कॉन्सेप्ट्स की बातें जो हर बंदे की लाइफ में ऑलमोस्ट कोई थोड़ा बहुत आप डिफरेंस से कह लें कि वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सबके सिनेरियोस प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मैम, आखिर में स्टूडेंट्स को, यूथ को मुख्तसर आप क्या एडवाइस देंगी? स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि देखें, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, आप किसी भी इदारे में जाएंगे ना आपको ज़रूर होंगे, ठीक है, ना कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इस पैनल के ऊपर, तो आप भी अपना जो लेवल है ना, मोटिवेशन लेवल है, उसको ज़रूर अप रखें। प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसको हम्बल होके और उसको जो है बहुत ही हौसले के साथ जो है ना उनको गुजारें। और जो भी आपका प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर ड्यूरिंग आपको स्टडी प्रॉब्लम आ रहे हैं, और डेफिनेटली आते हैं प्रॉब्लम्स, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है तो आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है, तो उसको बड़ी पेशेंस के साथ आप जो है ना फेस करें, और कोशिश ये करें किसी ऐसे बंदे के साथ उसकी शेयरिंग करें, वहाँ पर उनको जाके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें जहाँ आपको लग रहा हो कि ये मैं यहाँ पर मेरी हेल्प आउट हो रेलिवेंट बंदे से, रेलिवेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया नायला ताहिर साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन को इन्होंने बताया कि वो उनका अगर किसी वजह से अपने तालीमी सफ़र में कोई गैप आ जाता है या वो किसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकती, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और एग्जांपल्स भी दी, बताया कि किस तरह लोग पढ़ रहे हैं और वो कुछ वक्त के बाद भी अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रीज़ मुकम्मल करते हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।